भोपाल में बन रही आश्रम 3 के सेट पर हुए विवाद को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी के गुंडे कब तक ऐसे आतंक मचाते रहेंगे, जिसका भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह आप तो वह महापुरुष हैं जो तालिबानियों के समर्थन में बोलते आए हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपने हिंदू धर्म से नाता तोड़ा है पर अन्य हिंदुओं ने नहीं। यही यदि रामकृष्ण महावीर की धरती पर चोट करोगे तो चोट का बदला चोट होगा। गुंडे मवाली तो आपके पास हैं, पेट्रोल पंप पर जिन्होंने बम भेजे हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप तो वो महापुरुष हैं जो तालिबानियों के समर्थन में बोलते आए हैं। आप तो वो हैं जो आतंकवादियों को जी और उनकी जूठी बिरयानी खाने के आदि हैं। आप तो वो हैं कि मोहन शर्मा की जब सादत हुई तो सादत को आपने नकार दिया। जब आपकी ही गवर्नमेंट में 26/11 का हमला हुआ तो उस हमले पर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दिए। दिग्विजय सिंह जी, आपने हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी हिंदू हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी धर्म पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी सभ्यता पर, उनके किसी परमात्मा के आवा मंडल पर अगर कोई व्यवसायिक जो है बनती है और वो चोट करती है तो उनको रिएक्शन देना होता है, उन्हें वो विरोध है उनका, वो नहीं बननी चाहिए। अब आप तो महात्मा गांधी को भूल चुके, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम पर कांग्रेस को जितनी रोटियां सेकनी थी सेक ली, पर महात्मा गांधी जी भी आश्रम में रहे, साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस देश के राम कृष्ण इनके भी आश्रम थे, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये जो भारतीय संस्कृति के जितने महापुरुष हैं, जितने भगवान हैं, जिनके कारण ये देश और संस्कृति और सभ्यता चल रही है और गंगा का निरंतर प्रवाह बह रहा है, वो सब लोग ये आश्रम के संस्कृति के लोग हैं। किसी को कुछ बनाना तो छूट है, कांग्रेस के आश्रम पर बना ले ना, उसमें भी तो बहुत विवाद है। और अगर बनाने ये तो मस्जिदों में भी बलात्कार की अनेक घटनाएं प्रकाश में आई, उन पर किसी ने बनाई क्या? हम किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दे रहे। किसी भी साधु संत के वेश में अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म की व्यवस्था पर चोट नहीं होना चाहिए। और महाराजा दिग्विजय सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जबलपुर की धरती पर जो गुंडों ने जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस ने रोका, पुलिस भी कानून का ही काम कर रही ना, पुलिस पर जो आपने पेट्रोल पंप फेंके उनकी निंदा की क्या दिग्विजय सिंह आपने? और इतने ही मानवतावादी थे और इतने ही तुम लोकतांत्रिक परंपरा को निभाते थे तो अफगानिस्तान की धरती पर वहां की बेटियों की चीख आपको सुनाई दी नहीं थी? उनको गोली मार दी और उनके साथ बलात्कार कर दिया, तब आप नहीं बोले? क्योंकि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की मानसिकता बन गई है, हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर चोट करो और मजे लो। लेकिन एक बात दिग्विजय सिंह जी कान खोल कर सुन लो, प्रकाश झा ने अनेक फिल्में मध्य प्रदेश में बनाई है, सरकार ने और जनता ने सहयोग किया है। हम फिल्म निर्माताओं से एक प्रार्थना कर देना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी फिल्म मत बनाइए जो भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता पर चोट पहुंचाए। आप अपनी फिल्म बनाइए, पैसा कमाइए, रोजगार दीजिए, रोजगार कबाड़िए, लेकिन धर्म और संस्कृति पर चोट करोगे, हिंदुस्तान के कल्चर पर चोट करोगे, रामकृष्ण, महावीर और गौतम और गुरु नानक की धरती पर, उनकी संस्कृति पर चोट करोगे तो चोट का बदला चोट होगा। और दिग्विजय सिंह जी, गुंडे मवाली तो आपके पास हैं, क्योंकि जिनने पेट्रोल पर बम फेंके हैं वो आपके हैं, और जिनने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उज्जैन में लगाए थे वो भी आपके ही थे। गुंडे मवाली और देश के खिलाफ बोलने वाले लोग, दिग्विजय सिंह जी आपके पास है। भाजपा ने किसी को गुंडा नहीं पाला है, भाजपा ने सबको छूट दी है, सबको साथ दिया है और सबसे आग्रह पूर्वक कहा है धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए लड़ो, देश की रक्षा करो, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे बुलंद करो। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में घर विशेष को टारगेट किया है? अरे भैया, तो अभी एक वेबसाइट आज से 3-4 महीने पहले आई थी, वेब सीरीज क्या बोलते हैं, आई थी वो ओंकारेश्वर शिवालय पर चुंबन की किसकी घटना घटित हुई थी, उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपना रिएक्शन दिया था, वहां के हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। अभी अब ये ढोंग मच गया है और नए नए उम्र के बच्चा बच्ची देखते हैं, अभी भगवान शंकर जी के महाकाल के मंदिर में जाके वहां पर डांस करने लगे थे। तो आजकल लोग वेद, पुराण, कल्चर, धर्म, आस्था, इस पर पढ़ने की बजाय लोग ये छोटी छोटी मोबाइल वाली फिल्में देखकर वैसा ही व्यवहार मंदिर में करने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं उपासना पद्धति को चोट पहुंचाती है।
तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जो ये वेब सीरीज है उनको बंद हो जाना चाहिए? बंद करो या नहीं करो, अरे 75वां आंदोलन का वर्ष है आजादी का, उसपे बनाओ ना, भगत सिंह की फांसी पर बनाओ, बताओ देश के बेटा बेटियों को, बनाना है तो बापू की डांडी यात्रा पर बनाओ, बनाना है तो चंद्रशेखर राम प्रसाद विश्विल खुदीराम बोस अशफाक उल्ला खां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र वीर सावरकर, इन पर बनाओ ना, समाज को ये चरित्र दो, 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव है, इन पर बनाओ, देश के बेटा बेटी कुछ सीखे और राष्ट्र के लिए कुछ करे। थैंक यू सो मच। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।